लीजिए जीरा, सौंफ और पानी, सॉरी जीरा, सौंफ और मेथी का मैंने रात भर भिगो दिया था। अभी इसी पानी को बॉईल करके हाफ करूंगी और इसको ही पीऊंगी। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरा वोकैब का सेशन कंप्लीट हो गया है और अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ फ्रूट्स का। तो मैं ये पपाया एक कट करने वाली हूँ, ये वाला, इतना सारा नहीं, इसका हाफ ही कट करूँगी और फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद अपना जनरल अवेयरनेस का सेशन स्टार्ट करूँगी। मैंने पपाया तो कट कर लिया है, अभी हिस्ट्री रिविजन कर रही हूँ। मैंने नहा लिया है और अब जा रही हूँ कपड़े डालने के लिए। धूप काफ़ी अच्छी है। सो कपड़े तो डाल लिए हैं, आज मैंने बाल भी धोए हैं तो थोड़े गीले हैं। अभी हिस्ट्री अभी भी बाकी है थोड़ा सा, प्लस खाना बनाना है। आज मैं एक झटपट बनने वाली राइस की रेसिपी दिखाऊंगी। पुलाव बोल सकते हैं, वेज राइस कुछ भी बोल सकते हैं, खिचड़ी नहीं है बट कुकर में बनाऊंगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए टमाटर, प्याज, बीन्स, आलू, यहाँ पे अदरक लहसुन थोड़ा सा मैंने रखा है, इधर मिर्ची भी है दो चार। तो अभी खाना बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं।
सब कुछ कट कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे, इसको बंद करो, 2 बजे आने तक बस डन। ये देखिए मेरा राइस बन चुका है, थोड़ा शायद पानी ज्यादा हो गया था, वैसे मुझे गीला गीला भी पसंद है। अब मैं खाती हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, जो लोग हॉस्टलर्स हैं या फिर बाहर रहते हैं अकेले और खाना बनाते हैं तो झटपट बनने वाली रेसिपी है। मैं खाने के बाद अब आपसे मिलूंगी। खाना तो हो गया है, बड़ा ही टेस्टी बना था। अब मुझे आएगी नींद, मुझे पता है, क्योंकि चावल खाते ही नींद आने लगती है, इसलिए 30 मिनट्स का पावर नैप लेंगे, उसके बाद फिर से हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। पावर नैप इज डन, सो के उठ गई हूँ। ऊपर चलते कपड़े ले आते हैं। छत पे मैं नोट्स लेके आ गई, सोच लिया कि छत पे थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेते हैं, है ना। थोड़ी देर छत पे बैठ के पढ़ूंगी, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है, thank you।
तो मैं मार्केट गई थी मिल्क और कुछ छोटा मोटा बिस्किट्स, मैगी का पैकेट ये सब लेके आई हूँ। और अभी दूध गर्म कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा छोटा सा किचन है छोटा सा किचन। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। दूध गर्म होने के बाद मैं चाय बनाऊंगी, फिर वापस से पढ़ने बैठेंगे। सो मेरी चाय तो बन गई थी, मैंने इतना सारा पी भी लिया है, अब थोड़ा सा ही बचा है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड जो उसके साथ मैं मार्केट गई थी वो आई थी थोड़ी देर के लिए, उससे बात करते करते मैंने थोड़ा सा चाय पी लिया है। अभी जो है ना मैं पॉलिटी पढ़ूंगी। पॉलिटी में जो पहले आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स वो सब है, वो सब पढ़ूंगी। तो वो रिवाइज मतलब वो मुझको याद करने हैं, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया था जनरल अवेयरनेस का, तो पॉलिटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर्टिकल नंबर्स, कौन से पार्ट से है, कौन से स्केड्यूल से है, ये सब आया था। इसको याद करने के लिए मैंने पहले जो यहाँ से पढ़ा था, मतलब मैंने पढ़ा था अन अकेडमी में, राहुल अरोड़ा सर जो पढ़ाते हैं पॉलिटी, उनके वीडियो से पढ़ा था। तो वो जिस तरीके से याद कराते हैं, उनका बहुत अच्छा तरीका है याद कराने का। तो मैं वही वीडियोस रिपीट में देख के याद करने की कोशिश करूंगी अभी। सो मेरा हिस्ट्री इज डन, नाउ पॉलिटी विल स्टार्ट। अच्छा, एक्चुअली हिस्ट्री मैं पढ़ रही थी, आपने वीडियो में देखा होगा मैं हिस्ट्री वाइज कर रही थी। तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग हो गया हैंग, ठीक है। ऊपर छत पे भी पढ़ाई की थी, फिर नीचे आई तो भी थोड़ी देर पढ़ाई की मैंने, फिर तो मैं शॉप पे चली गई थी, उसके बाद अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। तो मन सा नहीं कर रहा है याद करने का। मैं सोच रही हूँ पहले एक सेशन जो है मैं थोड़ा सा रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए, उसके बाद मैं वापस से पॉलिटी पढ़ूंगी। देखिए, पढ़ाई बहुत बार बोरिंग बन जाती है। सच बोलूँ तो मुझे अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए पहले पॉलिटी सोचा फिर रीजनिंग, लेकिन पढ़ना तो है ही। अभी मैंने ग्रीन पेन से लिखने का सोचा, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए मेरा, प्रैक्टिस करूँगी, ग्रीन ग्रीन दिखेगा। और ये सब ट्रिक ना काम आता है, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा एकदम। जो पेन आप जनरली यूज नहीं करते हैं उस पेन को छोड़ के दूसरे पेन को एकदम, मतलब जो पेन आप जनरली यूज नहीं करते हैं उस पेन को यूज करिएगा, उस कलर को आपको खुद मजा आने लगेगा। तो वही कर रही हूँ मैं। तो अभी एक सेशन में रीजनिंग का लगाऊंगी अन अकेडमी से। सो मैंने दो सेट प्रैक्टिस किए,
रीजनिंग के PYQ। तो ये बस इतना तक। और अभी ये देखिए, मुझे मेरी फ्रेंड ने मिठाई दिया है, उसमें से एक खाऊंगी, अभी वही खा रही हूँ, उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ेंगे। सद्गुरु के कैंपेन है सेव सॉइल। मैंने पहले भी शिवरात्रि वाले जो ब्लॉग था उसमें भी बताया था, मैं सद्गुरु जी को बहुत फॉलो करती हूँ, मेडिटेशन योगा वगैरह मैं करती हूँ। ईशा फाउंडेशन जो कि कोयम्बतूर में है वहाँ पे भी मैं जा चुकी हूँ। सो अभी जो है सारे यूट्यूब क्रिएटर्स बड़े बड़े, फॉर एग्जांपल फ्लाइंग बीस्ट, बियर बाइसेप्स वाले और मोस्टली सेन वाले, प्राजक्ता कोहली, सभी सदगुरु के साथ मिलके अपना एक वीडियो बना रहे हैं सेफ सॉइल के ऊपर, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को। सो मैं अभी उन्हीं का वीडियो देख रही हूँ, ये वाला, ये जो है ये वीडियो फ्लाइंग बीस्ट वाला है, आज ही आया है तो मैं वो देख रही हूँ। अभी 10 मिनट का वीडियो है, मैं वो कम्प्लीटली देख के उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करूँगी। और मिठाई मैंने खा लिया, बहुत ही टेस्टी था, वो मेरी फ्रेंड ने मुझको दिया था। सो फाइनली मैंने बहुत मेंटल रेजिस्टेंस के बाद ये पॉलिटी के मैंने अपने नोट्स निकाल लिए। ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, ये सब पूरा पॉलिटी का नोट्स है। और अभी अनकैडमी का जो पॉलिटी का क्लास है राहुल अरोड़ा सर का, ये वाला, उसको मैं रिवीजन करने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि सर का जो टेक्निक है बहुत ही अच्छा होता है, तो उसी वीडियो को रीप्ले कर करके मैंने सोचा मैं रिवाइज करूंगी। अभी आपका कॉल है कि आपको पॉलिटी सेशन इज डन। पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है वो मैंने रिवाइज कर लिए हैं, काफ़ी हद तक याद हो चुका है, फिर भी कुछ टाइम बाद बाद रिवाइज करते रहने से याद रहेगा। अभी मैं अपना मैथ्स का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और ज्योमेट्री की क्लासेस करने वाली हूँ। मैथ्स का सेशन डन, नींद आने लग गई है अब तो सो जाएंगे अब, और कुछ नहीं पढ़ाई करूँगी, हो गया आज का पढ़ाई इतना ही। लगभग 1 बज चुके हैं, 1:12 हो गया है।
अब सोती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।